रेवाड़ी में पानी की किल्लत को लेकर चांदपुर की ढाणी के ग्रामीणों ने आज सुबह रेवाड़ी बावल रोड जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। महिलाओं ने सड़क पर पानी के खाली मटके भी फोड़े और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीबन डेढ़ घंटा बीत जाने के बाद बावजूद उच्च अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने से ग्रामीण और अधिक तैश में आ गए। जहां एक और ग्रामीणों ने जाम लगाया तो इस जाम के कारण कंपनी जाने वाले कर्मचारी परेशान नजर आए। चांदपुर की ढाणी में बीते 40 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीण अधिकारियों और मंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी समाधान नहीं निकला। वहीं रोड जाम की सूचना मिलते ही मौके पर मॉडल टाउन थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों को मौके पर बुलाने और समस्या से निजात दिलाने की मांग की। उच्च अधिकारियों के यहां न पहुंचने तक जाम लगाए रखने की बात ग्रामीण कह रहे हैं। 3 महीने पानी नहीं आ रहा प्रॉपर ढंग से, ना आता ही नहीं। गर्मी काफी हो रही, काफी बार जो है वीडियो ब्लॉक में हुआ है, डीसी साहब को बोल दिया, डीडीपीओ बोल दिया, डॉक्टर बनवारी के पास हुआ है, फिर कोई समाधान नहीं है। कहाँ जाए पब्लिक, कोई सुनवाई नहीं है। गर्मी है, पूरा पानी पहुँचाने का आता ही नहीं, कई कई दिन नहीं आते, 4-5-7 दिन नहीं आते, थोड़ा बहुत आता फिर बंद कर देते हैं। तो अभी क्या कुछ है आगे, क्या आगे प्रशासन में कोई आया नहीं है भाई, कोई पब्लिक हेल्थ से आया, कोई डीडीपीओ ब्लॉक से आया, कोई है नहीं यहाँ पे, किसको बोले प्रशासन आ गया, कोई तो आके कहे भैया ठीक है सुचारू से हम काम करें, कुछ है ही नहीं। पानी की समस्या के उस जाम लगाया हुआ, जिस बारे में उच्च अधिकारियों का अवगत करा दिया है डीसी ऑफिस में। अभी कोई जो उच्च अधिकारी है वो मौके पर पहुंच जाएगा, इनकी समस्या का जो समाधान के बारे में वो इनको बता देगा। कब तक पीक टाइम में कंपनी के लोग भी यहाँ से जाते हैं, क्या कर रहे हैं कि जल्दी जाम कर अभी है? इनसे गाँव वालों से भी जो लोग जो एकत्रित हो रहे हैं उनसे बात की है, इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि कोई भी अधिकारी आए के हमारे को ये कह दे कि हम इस पानी का कितनी देर में निपटारा कर देंगे तो हम खोल